とこんにちは皆さん。Welcome to Anime Fluent. मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो खैर कैसे हैं आप लोग, स्वागत है एनिमे फ्रेंड पे। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस साल का सबसे बेस्ट एनिमे, जिसमें कि कमाल की साइकोलॉजी, एनिमेशन, कैरेक्टर्स और कॉमेडी है। कागुया-सामा लव इज वॉर। तो बिना किसी बकवास के तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा सीधा चलते हैं प्लॉट की तरफ। तो दोस्तों ये एनिमे है स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट्स के ऊपर, जो अगर आपको नहीं पता एनिमे की दुनिया में किसी भगवान से कम नहीं होते। खैर इस एनिमे की मेन कैरेक्टर एक लड़की है, उस लड़की का नाम है कागुया, जो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है और वो मुकेश अंबानी की बेटी, मेरा मतलब काफी ज्यादा अमीर होती है। और हमारे प्रेसिडेंट होते हैं मियुकी शिरोगाने। नाउ शिरोगाने कागुया की तरह अमीर तो नहीं होता, पर वो स्कूल का टॉपर होता है और वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर दोनों ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी तो मैं जिंदगी भर सामने वाले का गुलाम बन जाऊंगा। बेसिकली ये लोग सिंप नहीं बनना चाहते, विच इज़ क्वाइट रिस्पेक्टेबल। इसलिए ये दोनों कैरेक्टर पूरे एनिमे में एक दूसरे को झांसा देते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और इसीलिए इस एनिमे का नाम है लव इज वॉर। पर अगर अभी भी तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तो सोचो अगर तुम उस डेथ नोट वाले पोटैटो सीन और किसी नॉर्मल रोमांटिक कॉमेडी को कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। जवाब है कागुया-सामा लव इज वॉर। अब कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इस एनिमे के कैरेक्टर्स को मैं नटशेल में ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कागुया शिनोमिया एक स्मार्ट अमीर अजीब सुंदर है, मियुकी शिरोगाने एक स्मार्ट मिडिल क्लास अजीब सुंदर है, और चिका फुजीवारा एक गॉड टियर वाइफू। खैर चिका का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, भले वो देखने में आपको सिंपल इनोसेंट वाइफ लगे। तो ये सब मेन कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, और दूसरे सीजन में तो और भी नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, और सेकंड सीजन ने तो पिछले सीजन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सीजन जब भी कोई नया एपिसोड आता है मेरी ऐसी हालत होती है। हाँ यूजुअली मैं बात करता हूँ थीम्स के बारे में, पर आज मैं बात करूंगा मीम्स के बारे में। तो दोस्तों इस एनिमे में बहुत सारे मीम्स हैं जो कि इंटरनेट पर पूरी तरह फैल चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुमने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा तो और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे मीम्स आए हैं इस एनिमे से, जैसे कि चीका का मीम, आई रेज दैट बॉय। अच्छा अच्छा ठीक है चलो, बेसिकली सिर्फ चीका के मीम्स। पर चीका ने हमें मीम्स के अलावा और भी बहुत कुछ दिया है, दैट इज द बेस्ट एंडिंग एवर। तो दोस्तों ना सिर्फ इस एंडिंग ने हम ओटाकुस के डिप्रेशन को एंड किया, पर इंटरनेट पर भी आग लगा दी, जिसके वजह से इसके अलग अलग वर्जन आए, जैसे बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर दोस्तों काना हानाजावा के रिनाय सर्कुलेशन की तरह ये उन कल्चर्ड सॉन्ग में से है जिसको एंजॉय करने के लिए आपको एनिमे देखने की कोई जरूरत नहीं है। खैर अगर मैं साउंडट्रैक की बात कर रहा हूँ तो दोनों ही ओपनिंग सीजन 1 की भी ओपनिंग और सीजन 2 की भी कमाल की है, और अभी जो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहा हूँ उसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मतलब ये BGM ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में एकदम परफेक्टली फिट होता है इस एनिमे में, एंड दिस हैज बिकेम वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडी BGM। तो दोस्तों एनिमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस शो में, जिस तरह शो का विजुअल है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और एनिमेशन के वजह से ये शो और ज़्यादा कॉमेडिक हो जाता है। स्पेशली बैकग्राउंड हमेशा चेंज होता रहता है, जिससे कि आप कैरेक्टर के मज़ेदार चेहरों पर ही फोकस कर सको। वॉइस एक्टिंग मुझे नहीं लगता इससे बेटर हो सकता था, मतलब यार वॉइस एक्टर्स को सुन करके आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो लोग कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। स्पेशली शिरोगाने का वॉइस एक्टर विच इज़ मकोटो फुरुकावा, आई जस्ट लव हिम। तो वॉइस एक्टिंग इज जस्ट फेनोमिनल। खैर ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि इस एनिमे का कोई क्लियर रीज़न नहीं है, मतलब ये बस एक स्टोरी है दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स की जो डेथ नोट से लड़ाई करते हैं ताकि सामने वाला इनको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। मतलब अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो यार सच में ये एनिमे काफ़ी अजीब है। First time. पर खैर इसी वजह से दोस्तों ये एनिमे इतना ज़्यादा फनी और मज़ेदार होता है, और स्पेशली इस लॉकडाउन के वक्त जब और कोई इतना अच्छा एनिमे नहीं आ रहा तो कागुया-सामा लव इज वॉर इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे टू वॉच राइट नाउ। तो अगर आप लोग कोई ऐसा एनिमे ढूंढ रहे हो जिसे देखने के बाद आपके गालों में हंस हंस कर दर्द हो जाए तो इस एनिमे को जरूर ट्राई आउट करना। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे। तब तक के लिए सायोनारा मिनासान।